चलो न्यूमेरिकल्स में आप एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, शो दैट 2.4, 3.2, 1.5 एंड 2, दिस फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन। ये आपको प्रूव कर रहे हैं कि वेदर दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट। अच्छा, तो चार क्वांटिटी है, प्रपोर्शन है कि नहीं चेक करना है। तो हम पहले एक काम करते हैं, ये फर्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटी जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम, तो पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्या होगा, इट इज 2.4 इंटू 2, तो ये हुआ 4.8। अब ये मिडल के दो क्वांटिटी उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये है 3.2 इंटू 1.5 एंड दैट इज ऑल्सो 4.8। एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आर इक्वल, 4.8 यू कैन से गिवन क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन। तो ये हमारा काम था कि वेदर दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट, दैट इज टू बी वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 8 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 10/3 इज टू एक्स इज इक्वल टू 5/2 इज टू 5/4। ठीक है, तो पहले तो एकदम क्लियर हो गया कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट का न्यूमरेटर कॉमन है, मतलब ये 5 तो कैंसल हो जाएगा, और यहां हम लिखेंगे 10/3x और इसका मतलब होगा 4/2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं कट करके 2 × 2 = 4 चेक कर सकता हूं। एक बार मैं लिख दूं, 10/3x इक्वल्स टू 2, तो x का मतलब होगा 10/3 इंटू 2 इक्वल्स टू x। सो फाइनली आई कैन राइट 2 5 = 4, सो x इज इक्वल टू 5/3। तो आपका x का आंसर, क्वेश्चन वही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो x इज व्हाट, x इज 5/3। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू। फोर्थ प्रपोर्शनल टू किसका भाई, 2/3, 3/7, मतलब ये फर्स्ट प्रपोर्शनल, सेकेंड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल 4 एंड फोर्थ प्रपोर्शनल आपको पूछा है, उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपरली लिख देते हैं 2/3 इंटू 7/3, इसको हम इन रेसिप्रोकल में लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 4/x। तो अब क्या होगा, 2 × 7 14/9 इज इक्वल टू 4/x। तो x इज 9 × 4/14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां 2 और यहां 7, तो आंसर वुड बी 18/7। तो फोर्थ प्रपोर्शनल इज 18/7। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल 2a 3b 4c, मतलब तीन प्रपोर्शन दिए हैं, तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, 2a/3b इक्वल्स टू 4c/x, और फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं, फाइंड थर्ड प्रपोर्शनल टू। अब अच्छा, थर्ड प्रपोर्शनल पूछा है, तो फर्स्ट टू कौन से है, दे आर 5 and 10, और थर्ड क्या है वो आपको पूछा है। अच्छा, तीन ही क्वांटिटी प्रपोर्शन में है तो क्लियर हो जाएगा कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा। इसका मतलब 5/10 मस्ट बी इक्वल टू 10/x, तो ये हुआ हमारा थर्ड प्रपोर्शन। सो x इज इक्वल टू 10 × 10/5, सो फाइनली x इज इक्वल टू 20।
तो आपका थर्ड प्रपोर्शन जो है वो 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड थर्ड प्रपोर्शनल टू 2.4 केजी 9.6 केजी। इसी तरीके का है, 2.4 एंड 9.6 ये दो है और थर्ड प्रपोर्शन x निकालना है। वही टेक्निक आप यूज करोगे, 2.4 अपॉन 9.6 इक्वल्स टू 9.6 अपॉन x, और फिर x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। आई होप यू कैन कंप्लीट दिस एट योर ओन। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन मीन प्रपोर्शन का है, बिटवीन 1.25 एंड 1.8। चलिए, मीन प्रपोर्शन का मतलब आपको मालूम ही है कि इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्सट्रीम प्रपोर्शन। क्या है एक्सट्रीम प्रपोर्शन? दे आर गिवन एज 1.25 एंड 1.8, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनका स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका आंसर आ रहा है 1.5। तो ये आपका मीन प्रपोर्शन हो गया। सो दिस वे यू कैन कंटिन्यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन कुछ हमने देखे, और भी अभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एक्स इफ 9x एंड 4 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 9x एंड 4 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ये आपको बोला गया है। तो x का वैल्यू क्या होगा? आप ऐसा लिख सकते हो, 9x इक्वल्स टू x/4, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर इज 36, सो x इज इक्वल टू 6। तो मीन प्रपोर्शन हो गया 6। टेंथ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन। ओके, किसके बीच में चाहिए? a/b प्लस b/a, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड प्रपोर्शन क्या है वो आपको निकालना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रपोर्शन। अच्छा, तीन ही प्रपोर्शन है तो कंटिन्यू प्रपोर्शन कर देंगे। इसका मतलब a/b प्लस b/a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, कंटिन्यू प्रपोर्शन है तो इसको फिर से लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो, ये मल्टीप्लाई यहां होगा और x यहां पर मल्टीप्लाई कर, मतलब x के ब्रैकेट में होगा a/b प्लस b/a, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करना हो तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ab a इंटू ए स्क्वायर यहां पर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑपोजिट साइड पर है इक्वालिटी की, तो वो कैंसल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है वो देख लेते हैं, क्या हो रहा है, एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1, और इसके हिसाब से देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू ए बी, तो आपका थर्ड प्रपोर्शन होगा ए बी। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 विल बी होमवर्क, यू कैन कंटिन्यू दिस। उसके बाद 12 भी होमवर्क, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, थर्टींथ क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, इफ ए प्लस सी इक्वल्स टू 2b एंड 1/b प्लस 1/d इक्वल्स टू 2/c, देन प्रूव दैट abcd आर इन प्रपोर्शन। ये रहा डिटेल, क्या दिया हुआ है हमको, ए प्लस सी इक्वल्स टू 2b और दूसरा है 1/b प्लस 1/d इक्वल्स टू 2/c, और बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन we are supposed to prove that these four quantities abcd are in proportion। check karte hain, dekho main zyada kuch a plus c ke equals to 2b ko to nahi kar sakta, wo result ka main use baad mein karunga, main yahan se isko leke solution shuru kar raha hu।
तो क्या है भाई, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन डी इज टू अपॉन सी। तो एलसीएम में लेते हैं हम बी डी, तो ये हो जाएगा डी प्लस बी इक्वल्स टू टू अपॉन सी। अच्छा, मैं सी को यहां मल्टीप्लाई करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं सी डी प्लस बी सी इक्वल्स टू टू बी डी। सी डी प्लस बी सी इक्वल्स टू, अच्छा ये जो टू बी है वो अल्टीमेटली क्या है, ए प्लस सी है। तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस सी और ये डी को मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए सी डी इक्वल सी डी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस सी डी, और आपको मालूम है सी डी इक्वालिटी की दोनों साइड पे तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या हुआ, बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला पॉइंट आ गया। दैट मीन्स यू कैन से ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन विच इज वॉट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो ये प्रूव भी हो गया, सो यू कैन राइट हैंस इट इज प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको ध्यान से पढ़ो पहले। इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, प्रूव दैट द फर्स्ट टू द थर्ड इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड। अच्छा, क्लियर कट बोला गया है कि थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो हम मान के चलते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए बी सी बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ओके, अब आपको ये प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि फर्स्ट टू द थर्ड, फर्स्ट टू द थर्ड मतलब ए टू सी, ये एक रेशियो बनेगा ए बाई सी, इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड। फर्स्ट टू द सेकेंड मतलब ए और बी का डुप्लीकेट, मतलब ए स्क्वेयर और अपॉन बी स्क्वेयर करेंगे। ए बाई बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर है, और ये जो है वो फर्स्ट टू थर्ड क्वांटिटी वाला रेशियो बनना चाहिए, मतलब प्रूव करना है ए बाई सी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। तो ये इंफॉर्मेशन है और इसके बेस पर हमको ये प्रूव करना है। अच्छा, मैं ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है उससे शुरुआत करता हूं कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन का मतलब होगा कि बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, सो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी। अच्छा, अभी प्रूव करना है कि ए बाई सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। तो हम रिक्वायरमेंट में लिख रहे हैं कि प्रूव दैट ए बाई सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। अच्छा, आपको ये प्रूव करना है तो दो तीन टेक्निक है। एक काम कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड तक का आंसर निकालो, और ये केस में बेटर होगा मैं RHS मतलब राइट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ, और वो है ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर अपॉन, लेकिन बी स्क्वेयर का मतलब है ए सी, तो मैं ये लिख रहा हूँ ए सी। अब ये ए कैंसिल हो जाएगा तो वॉट वी आर लेफ्ट विथ ए अपॉन सी, और वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तब बोल सकते हो कि इट इज प्रूव, हेंस प्रूव। तो सिंपल सा टास्क था, सिर्फ आपको यह सोचना है कि शुरू कहां से करें। तो एक केस में राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो RHS इज इक्वल टू LHS एंड देन इट इज प्रूव, जो रिक्वायरमेंट था वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, अच्छा अभी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करने की जरूरत है। देखो, कोई भी एक रेशियो है, मान के चलते हैं कि ये 2/3 है, तो 2/3 इज नथिंग बट इक्वल टू 4/6, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2/3 बोलो या 4/6 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
यहाँ न्यूमरेटर को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, और आपको मालूम है कि सेम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो रेशियो विल रिमेन अनऑल्टर्ड। तो आप बोल सकते हो कि ये इक्वालिटी, अब ये दोनों मिलकर आप बोल सकते हो कि ये प्रपोर्शन हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है दैट इज इक्वल टू 30 by 90, 30 by 45। यस, 15 2s are 30 एंड 15 3s are 45। रिड्यूस फॉर्म में देखो तो वो 2 by 3 ही है। तो 2 by 3 बोलो, 4 by 6 बोलो, 30 by 45 बोलो, वो सब एक ही है। तो मैं बोलूंगा कि ऑल दीज रेशियो आर अल्टीमेटली 1 ratio एंड दैट इज 2 by 3। तो आप बोल सकते हो कि दिस ईच रेशियो इज एग्जैक्टली वॉट 2 by 3, दिस ईच रेशियो इज 2 by 3। ठीक है, एक और भी पॉइंट है कि ऐसे इक्वालिटी में आप कितना भी लिखो, सपोज एक और मैं लिख दूं कि ये है 6 by 9, तो भी इक्वालिटी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ईच रेशियो इज व्हाट 2 by 3। एक और कॉन्सेप्ट भी है कि आप ईच रेशियो के लिए ऐसे इक्वालिटी में जो भी रेशियोज लिखे हुए हैं वो सभी के एंटीसीडेंट का टोटल करो। सपोज मैं टोटल कर रहा हूं 2 + 4 + 30 + 6 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट, मतलब 3 + 6 + 45 + 9। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2 + 4 + 6 + 6 = 12 + 30, ये हुआ 42, और 3 + 6 9 + 9 18 18 + 45 इट विल बी 63। तो 42 by 63 भी वही होगा इक्वल्स टू 2 by 3, देख लो। तो ईच रेशियो का मतलब है सम ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स अपॉन सम ऑफ ऑल एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट। सर यहां सिर्फ 2 है तो भी कर सकता, छोड़ दो ये है ही नहीं, तो क्या होगा यहां पर, होगा ईच रेशियो का मतलब होगा, इसको कैंसिल कर दो, 2 + 4 3 + 6, 2 + 4 6 3 + 6 9, ये रहा हमने लिखा ही था, मतलब ये भी 2 by 3 हुआ। तो ये ईच रेशियो का कॉन्सेप्ट है। आप जब भी प्रपोर्शन में इक्वालिटी में 3-4 ratio है और ईच रेशियो बोलो तो वो 3-4 ratio जो है वो सभी इक्वली है, और एक और टर्म भी निकल सकते हो, वो सभी रेशियो के एंटीसीडेंट का टोटल अपॉन कॉन्सिक्वेंट का टोटल करोगे तो भी वो वही वैल्यू रहेगी जो हर रेशियो की है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईच रेशियो। ओके, चलिए अभी ये ईच रेशियो के कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चंस देखते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लो। इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 to 1.5, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए डी इज टू बी सी एंड ए प्लस सी इज टू बी प्लस डी। क्या दिया हुआ है यहाँ देख लो एक बार फिर से, A is to B equals to C is to D equals to 2.5 to 1.5, ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर से आपको बोलना है कि AD is to BC का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है A plus C is to B plus D का वैल्यू क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, मैं पहले इसको प्रॉपरली इस तरीके से लिख दूं कि A by B equals to C by D equals to 2.5 by 1.5। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है AD is to BC। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो ये तो इक्वली है, लेकिन सिर्फ इसकी मैं बात करूं तो AD और BC देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। दैट मीन्स AD मस्ट बी इक्वल टू BC, और जब AD और BC इक्वल ही है तो AD is to BC जो होगा वो 1:1 आ जाएगा, मतलब इसके लिए तो कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं रही। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है A plus C
अपॉन बी प्लस डी। देखो ईच रेशियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सपोज ये दो रेशियो है तो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी क्या होगा? ईच रेशियो के हिसाब से ये यही आंसर होगा, कोई अलग नहीं होगा, रेशियो तो वही रहेगा 2.5:1.5। हाँ, इसको मैं रिड्यूस करके बोलूँ तो 25/15 एंड 5 × 5 एंड 5 × 3, तो इसका आंसर आप बोल सकते हो कि 5:3 है। तो ईच रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए बाई थ्री, इफ ए बाई थ्री इक्वल्स टू बी बाई फोर इक्वल्स टू सी बाई सेवन, देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू 2। सीधा सा टारगेट है आपको, ये कुछ रेशियोज दिए हुए जो इक्वालिटी में है, ए बाई थ्री इज इक्वल टू बी बाई फोर इक्वल्स टू सी बाई सेवन, और बेस्ड ऑन ये इंफॉर्मेशन आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का आंसर 2 है या नहीं है। चेक कर लेते हैं 2। देखो ये हर एक रेशियो जो है वो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, ऐसे क्वेश्चन में ईच रेशियो इज इक्वल टू के ऐसा मान के चलते हैं, इसको आप के मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ए बाई थ्री इक्वल्स टू के है तो मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल्स टू 3k, सेम वे बी इक्वल्स टू 4k एंड सी इक्वल्स टू 7k। अब जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी के लिए हर अननोन का वैल्यू के के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ए इक्वल्स टू 3k, बी इक्वल्स टू 4k एंड सी इक्वल्स टू 7k अपॉन 7k। 3 + 4 = 7 + 7, इट इज 14k अपॉन 7k, तो k कैंसल एंड 7 × 2 = 14, सो इट इज 2 विच इज RHS, हैंस इट इज प्रूव। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको k मेथड से ही सॉल्व करना है, तो यू कैन कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन एट योर ओन 17th क्वेश्चन। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चन है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, 18th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू द टर्म्स 3:5 सो एज टू गेट 2:3। मतलब 3:5 के दोनों टर्म्स में हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें तो 2/3 बन जाए। मतलब कुछ ना कुछ तो हमको ऐड करना है दोनों टर्म्स में, सो दैट इट रिजल्ट्स इन 2/3। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि 3/5 की दोनों टर्म्स में x ऐड करते हैं, और ऐसा करने से आपका रिजल्ट 2/3 आना चाहिए। तो क्या ऐड करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट बिकम्स अवर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 × 3 = 9 + 3x इक्वल्स टू 10 + 2x, सो 3x - 2x इज 10 - 9, सो फाइनली x इज 1। अब इसी पैटर्न के ये जो नोन वैल्यूज है उसके बजाय अननोन वैल्यूज के साथ 19th क्वेश्चन है, तो यही है कि व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म ए एंड ए अपॉन बी सो दैट इट बिकम्स c:d। मतलब यही काम करना है हमको, यहाँ क्या ऐड करना है तो c/d आएगा। तो यही मान के चलते कि a में भी हम x ऐड करते हैं और b में भी x ऐड करते हैं, तो रिजल्ट जो है वो c/d बनना चाहिए। x का वैल्यू क्या होगा, तो a × d ad + dx इक्वल्स टू bc + cx। अब xx वाले एक साथ लिख देते हैं, तो dx - cx इज bc - ad, और यहाँ से मैं x कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा d/c, और यहाँ हम लिखेंगे bc - ad।
देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी अपॉन डी माइनस सी। तो क्या ऐड करना चाहिए? तो बी सी माइनस ए डी अपॉन डी माइनस सी ऐड करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करना चाहता है। वो बोल रहा है कि यूजिंग द रिजल्ट ऑब्टेन इन 19 में हमने जो रिजल्ट निकाला है उसका यूज करके सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इसी रिजल्ट का यूज करना है और आपको 18 सॉल्व करना है और आपका आंसर वेरीफाई करना है कि वो 1 आ रहा है कि नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर 3/5 जो है वो एक्चुअली a by b मान लेंगे, और जो 2/3 मुझे रिजल्ट चाहिए यहां से यहां के, वो रिजल्ट हमारा है c by d। तो आप बोल सकते हो कि a का मतलब 3 करेंगे, b का मतलब 5 करेंगे, c का मतलब 2 करेंगे और d का मतलब 3 करेंगे। तो x क्या होगा, x का मतलब इसके हिसाब से ये रिजल्ट का यूज करना है, bc माइनस ad अपॉन d माइनस c। व्हाट इज b? b इज 5, c इज 2, माइनस ad मतलब 3 × 3 अपॉन डी माइनस सी मतलब 3 − 2। तो 5 × 2 = 10 माइनस 9, 3 − 2 = 1। तो ये आंसर होगा 1। आप वेरीफाई करो इसके रिजल्ट के साथ, हाँ ये एक्स का वैल्यू रिजल्ट से मैच हो रहा है। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन कनेक्टेड थे जो हमने एक साथ सॉल्व कर दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।